हेलो एसएससी, हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम माधव, सभी लोग बढ़िया हो। चलो आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेक्चर के लिए, क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर का जो आपका टॉपिक है जीएसटी। तो हम आज जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये जीएसटी जो है एक नया टैक्स है। आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में जो है अभी नया टॉपिक ये डाला गया इसको, और वैट को हटा दिया गया। पहले वैल्यू एडेड टैक्स आप पढ़ते थे, अभी को हटा दिया गया। और बहुत से बच्चे अभी ये बोल रहे थे कि बहुत टाइम हो गया, आप कहाँ हैं कहाँ हैं, अभी तक आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। तो गुस्सा मत हो, समय थोड़ा लगता है बट होगा, ठीक है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे क्लासेज हैं, तो उनकी क्लासेस को बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं, तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। आज इस जीएसटी को अच्छे से समझ लो। देखो वैट से भी मुझे लगता है थोड़ा आपको आसान लगेगा, बस इसमें आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे करते चलो, ठीक है। फर्स्ट थिंग इसमें आपको करना क्या है कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मीन्स क्या है इसका, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस मीन्स सबके बारे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ आर फर्स्ट टॉपिक इज जीएसटी, ठीक है। टॉपिक क्या, चैप्टर ही है आपका पूरा एक जीएसटी, ठीक है। तो तीन चैप्टर्स आपके हैं, जीएसटी, बैंकिंग एंड द शेयर एंड डिविडेंड, सबके बारे में पढ़ा जाएगा। नाउ जीएसटी, देखो हमारे देश में एक टैक्सेशन सिस्टम्स है, ठीक है। हम जो जॉब करते हैं कहीं से अर्निंग करते हैं, ठीक है, बट हम अपनी अर्निंग का जो खर्च है, जो इस एक्सपेंडिचर है, वो खुद पर उठाते हैं ना, खुद के घर में या खुद के काम में, इस तरीके से। बट अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन देखना हो, रेलवेज देखना हो, रोड्स जो हमारे हैं सारे, इन सभी चीज़ों को देखना हो, एयरवेज देखना हो, और तमाम चीज़ें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट इसके लिए वर्क करती है। और गवर्नमेंट अगर इसके लिए वर्क करती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट की भी अपनी खुद की सैलरी होती है, गवर्नमेंट में जो लोग वहाँ एम्प्लॉयज ना का उनको, जो भी लीडर्स हैं, जो भी वहाँ पे एमपी एमएलए या जो ऊपर के पदों पर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, तो उन सभी के अपनी खुद की सैलरी है, बट सैलरी इतनी नहीं है कि वो अपनी पर्सनल सैलरी से कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के वर्क कर सके वो, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स सिस्टम लेकर के आती है, इसको बोलते हैं टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो टैक्स कैसे लेगी वो चीज़ों से, तो हर चीज में कुछ ना कुछ टैक्सेज हैं, ठीक है। तो पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले का कॉन्सेप्ट यह था कि बहुत ज्यादा टैक्स ले लो, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था कि उन्होंने कुछ 95 से 97% तक टैक्स लेना शुरू कर दिया। मतलब कि अगर तुम 100 रुपीज कमा रहे हो तो 97 रुपीज टैक्स में चले जाते थे आपके, ठीक है, बड़े अर्निंग वालों के। तो इतना ज्यादा टैक्स होने लगा तो लोगों ने क्या करे, टैक्स की चोरी होने लगी, ठीक है। तो टैक्स का सिस्टम ये होता है कि आप इतना टैक्स लो, ठीक है, कंज्यूमर से या रिटेलर से या होलसेलर से, कि वो देने में सक्षम हो, कैपेबल हो उतना कि वो इजिली दे दे। कि अगर मैं 100 रुपीज कमा रहा हूँ, आप मुझसे 2 रुपये मांगते हो, तो मैं आपको 2 रुपये दे देता हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं मेरे को, ठीक है, आप भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। लेकिन आप 2-2 रुपये पूरे कंट्री से मांगते हो, जहाँ पर पूरे मिलियन में आबादी है, बिलियन, ठीक है, तो आपके 2-2 रुपये भी आपके बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो दोनों खुश हैं इससे। तो आओ देखते हैं, कहीं भी होता है कुछ भी, तो टैक्स लेने का सिस्टम क्या होता है। कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो, ठीक है, वो उसके प्रोडक्ट को कोई एक होलसेलर आएगा जो बहुत थोक में सामान को खरीदेगा, ठीक है, उसको हम होलसेलर कहेंगे। होलसेलर इसलिए है ये क्योंकि वो जो सामान को, जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स खरीद रहा है, वो खाने पीने के लिए नहीं खरीद रहा है, खुद के कंजप्शन के लिए नहीं खरीद रहा है, वो क्या करने के लिए खरीद रहा है, वो रीसेल करने के लिए, वो किसी और को बेचेगा। तो देखो उसने तुरंत किसको बेच दिया, रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर को बोलते ना फुटकर में, जो फुटकर की दुकानें होती हैं, ठीक है, वो रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर्स को, जो आप गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं, फार्चून की दुकान देख लो, ग्रॉसरी की शॉप देख लो, ठीक है, स्टेशनरी शॉप देख लो, ये सब क्या है, रिटेलर्स हैं सब, ठीक है, वो आपको भेजते हैं, जो भी सामान उनको सेल करना हो आपको सेल कर देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर्स, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ मिलेगा, ये एक दूसरे को टैक्स तो दे रहे हैं, ठीक है,
बट गवर्नमेंट को मोस्टली सबसे ज्यादा इनकम कहां से होती है? ठीक है, तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम अगर देखा जाए तो दो तरह के टैक्सेस से होती है। दो तरह के टैक्स हमारे इंडिया में हैं। फर्स्ट टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जाके ले लिया, लाओ भाई लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, ऐसा नहीं। ठीक है, कि इनडायरेक्ट का मतलब कि पीछे जाके कहीं चुपके से ले लिया, लाओ। कुछ यही सेंस है इसका भी। डायरेक्ट का मतलब आप को एकदम पता चल रहा है कि हाँ आपसे इतने रुपए टैक्स लिया जा रहा है, और इनडायरेक्ट वाले का आपको पता नहीं चल रहा है कि उनसे क्या लिया जा रहा है। आपने सामान को, इस पेन को लिया 10 रुपए में, आपको पता ही नहीं इसमें कितना टैक्स है। ठीक है, बस उसमें पैकेट पर लिखा होता है ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, आपको नहीं पता कितने रुपए इंक्लूड हुआ टैक्स में। आपको ये पता कि आपने टैक्स दिया, बट आपको ये नहीं पता है कितने रुपए दिया, नहीं पता ना। बट जब आपके सैलरी से, आपके इनकम से आपका टैक्स कटता है कि मेरी तो 10,000 सैलरी थी और इतने रुपए काट लिए सरकार ने, तो हमें एकदम एग्जैक्ट अमाउंट पता चल रहा है। इसका मतलब ये सरकार ने सामने सामने डायरेक्टली हमसे टैक्स ले लिया वो इनकम पर हमारे। ठीक है, तो इसका इनकम का अलग अलग स्लैब बना हुआ है कि इतने रुपए अमाउंट कमाने वाले को 1,00,000 रुपए, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000। ठीक है, वो गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए कुछ जो है छूट भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके से एक स्लैब बना हुआ, इसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कटता है सभी का टैक्स कटता है। आपकी इनकम पे, आप कुछ भी इनकम कर रहे हो उस पे टैक्स कटेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर पर अभी टैक्स नहीं है, अंग्रेजों ने लिया, अंग्रेजों ने काफी दबा करके लिया उसको, अंग्रेजों ने उन्हीं से ही लिया। ठीक है, अब यहां पर आया दूसरा टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। देखो, इनकम टैक्स क्या है, दिस इज इंडिविजुअल। ठीक है, दिस इज इंडिविजुअल, ये एक व्यक्तिगत रूप से किसी से लिया जाता है, हम से लेंगे, आप से लेंगे, किसी से और से लेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक कंपनी, ठीक है, जो बड़ी कंपनी हो, ये नहीं कि जो है आके मेरे एकेडमी से मांगने लगे। ठीक है, या किसी एक संस्थान से, मैंने एक दुकान खोली उसमें आगे की लाओ कॉर्पोरेट टैक्स लाओ। कॉर्पोरेट मीन्स की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मांगे, चलो लाइक अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, ठीक है, रिलायंस ग्रुप हो गई, टाटा बिरला, जो भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हो इंडिया में, वो सब के सब क्या है, कॉर्पोरेट घराने हैं। ठीक है, फिर भी हमारा जो टॉपिक है इस पे आते हैं, तो हमें इससे भी कोई लेन देना नहीं है। सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट इसी से करता है, इनकम एंड कॉर्पोरेट से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब ये टैक्स जो होता है सेल गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। गुड्स का मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा उस पर कोई ना कोई टैक्स होगा, आपको पता नहीं है बट टैक्स है उस पर। कोई भी सर्विस, सर्विस का मतलब क्या होता है, जब मैं बार बार बोलता हूँ सर्विस, गुड्स का मतलब समझ में आता है, जितने चीज दिख रहे हैं सब गुड्स हैं। व्हाट इज सर्विस, सर्विस मीन्स को ऐसे समझ लो कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान तो दे रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, मैं एक सर्विस दे रहा हूं आपको। ठीक है, मैं जो आपको दे रहा हूं क्या कोई टेंजिबल चीज है ये कि आप देख सकते हो, नहीं देख सॉरी देख नहीं सॉरी तो इसको देख तो नहीं सकते हो ना, मैं तो बस बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ज्ञान मिल रहा है, मैं बोलूंगा ज्ञान कहाँ है, ऐसे बता सकते हो क्या, ये नॉलेज है, देखिए देखिए नॉलेज, नॉलेज को छू नहीं सकते हो, तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। ठीक है, नॉलेज क्या, इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी चीजें इनडायरेक्ट हैं। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, डॉक्टर्स आपकी सेवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ठीक है, दवा दे रहा है, वो तो मान लो प्रोडक्ट हो गया, गुड्स हो गया, लेकिन जो लिख रहा है दवा, वो आपके सिम्टम्स को चेक कर रहा है, वो आपकी क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको। ठीक है, आप बसों के आगे सुनते होंगे बस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो वो सब तो सर्विस है ही। जो भी आपके लिए कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जो टेंजिबल नहीं, जो दिखाई नहीं दे रहा, वही क्या है, सर्विस है, आपको सर्विस दे रहा है कोई, आपकी सेवा कोई कर रहा है। ठीक है, आपको सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है किसी चीज की वो। ठीक है, अब यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारी चीजें थी यहां पर, जैसे यहां लिखा हुआ एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राई एंट्री टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट, लॉटरी, लग्जरीज। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बेचारे अब गायब हो चुके हैं, गायब होने का मतलब ये सब अब मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, इन सब एक रेड डाटा बुक होता है ना, तो रेड डाटा बुक नहीं कहोगे, रेड डाटा बुक में चले गए हैं। ठीक है, जिसमें विलुप्त लोग चले जाते हैं ना, तो वो लोग नहीं है ये लोग क्या हुआ कि इनके नेम सब आपस में मर्ज हुए, और मर्ज होकर के क्या बन गए, जीएसटी बन गए। क्या बन गए, जीएसटी बन गए। प्रॉब्लम बहुत सारी होती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमारे देश में एक सिस्टम होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
गवर्नमेंट हमारी जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत एक्टिव रहती है। उन्होंने बोला कि वन कंट्री वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स, क्या है कि एक नेशन हो और एक टैक्स हो, ठीक है। जैसे कश्मीर की बात हुई ना, एक देश में एक संविधान, ठीक है, क्योंकि कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो अब एक हो गया। चलो, तो एक्साइज एंड कस्टम, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, होता था, इसको बस जान वाले से। एक्साइज ड्यूटी जो दो स्टेट के बीच में कोई भी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसपोर्ट होती थी, तो वहां पे आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, ठीक है, स्टेट में, विद इन अदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हो, तो अदर स्टेट में आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। कस्टम ड्यूटी क्या होती थी? कस्टम ड्यूटी जो है, मान लो कि कहीं आप इंडिया से बाहर कहीं प्रोडक्शन कर रहे हो और उस बाहर से प्रोडक्शन को इंडिया में लेकर के आना चाहते हो, तब बाहर से दूसरे कंट्री से जब कोई प्रोडक्ट या गुड्स अंदर आता था, तो वहां पे हम कस्टम ड्यूटी लेते थे, ठीक है। सर्विस टैक्स, मैंने बताया जो भी हम सर्विस देते हैं उसका एक सर्विस टैक्स है। ये बहुत गवर्नमेंट की अर्निंग जो है, इसकी कहानी अलग है, सर्विस टैक्स क्यों आया, ठीक है। सर्विस टैक्स है, मनमोहन सिंह ही इसके मेन प्रोड्यूसर थे। मनमोहन सिंह का एक कंसेप्ट था ये, ठीक है, सर्विस टैक्स, उनके दिमाग की उपज थी मनमोहन सिंह के, सर्विस टैक्स, ठीक है, इंडियन के, इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए वो इस टैक्स को लेकर के आए थे। नाउ सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी गवर्नमेंट का टैक्स है। ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई को बोल सकते हो जो हमारे म्यूनसिपालिटीज हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, इस टाइप के जो नगरों में, सिटीज में जो होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है, या ये भी बोल सकते हो जो हमारे लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, वो सब जब आपस में कहीं नगर निगम के बीच में कहीं कोई गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पे ये एंट्री के लिए ऑक्ट्राई नाम दे दिया, एंट्री टैक्स लगता है। और वही जो है, जब एक स्टेट से भी हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ भी एंट्री टैक्स लगता है, ठीक है, तो उसका भी नाम एंट्री टैक्स है। ये भी उसी का रूप है, ये थोड़ा ब्रॉड है, ये थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसका नाम आपने सुना होगा, यही आपके चैप्टर में था, जो अब नहीं रहा, अब इसकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी, ठीक है, ये तो पूरी तरीके से गायब हो गया। नाउ एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे आप कहीं मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, ठीक है, तो मूवीज़ पर क्या होती है, टैक्स होते हैं, आपके टिकट 400-500 के टिकट होते हैं, तो मूवी पर भी टैक्सेस होते हैं। और लॉटरी, गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है ना, किसी पेट्रोल पंप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लॉटरी निकालती गवर्नमेंट, तो वहाँ भी क्या होता है, उसके लिए भी टैक्सेस हैं। एंड लग्जरियस होटल, कोई भी आप कैसे शॉप, ठीक है, जैसे वाइन, इन सब पे क्या है, बहुत हैवी टैक्सेस हैं इस पे, ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, लीकर पर 75% से ऊपर टैक्सेस लगा दिए उस पे, मतलब कि आपकी 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है अगर लीकर की बॉटल, तो आपको करीब करीब मान के चलो जो है, इतना ज़्यादा टैक्सेस है उस पे कि 100 रुपीज़ की बॉटल आपको जो है 500-600 रुपये मिलती है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ये, तो मैं सोचना कि सर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आओ, अब इन सारे टैक्सेस को, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इन सबको क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कहा इतने सारे टैक्सेस हैं, जैसे तुम यहाँ से सामान लेके जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट्स या इस स्टेट से लेके गए, तब तक रास्ते में कोई मिला, बोला कि लाओ इसे ऑक्ट्राई टैक्स दो मुझे, मतलब इसको बोलते चुंगी टैक्स, मतलब थोड़ी दूर पर ये टैक्स देना पड़ रहा है। फिर कोई माया जैसे स्टेट क्रॉस की, लाओ ये एंट्री टैक्स लाओ, तब तक कोई बोला कि लाओ सेल्स टैक्स लाओ, तब तक कोई बोला लाओ एक्साइज ड्यूटी लाओ, तुम परेशान होंगे एकदम कि यार रास्ते भर टैक्स ही टैक्स, तुम लोग यहाँ भी टैक्स दिया, यहाँ भी दिया, ठीक है। मान लो यहाँ तुम दूसरे कंट्री से आते हो, तो यहाँ भी देते, फिर स्टेट क्रॉस कराते यहाँ भी देते, परेशान है, केवल टैक्स, इतना सारा टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये सारे जितने भी बवाल हैं, इन सबको क्या करो, ख़त्म करो, और क्या लेकर के आओ, GST। तो गवर्नमेंट GST लेकर के आई, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कहा कि सारे इसी में मर्ज करो, सारे बवाल को ख़त्म करो, ठीक है। किसके लिए, ये नहीं खत्म कर दिया इसको, ये मत सोचना कि ये भी खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया, देखो खत्म कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और ये तो अलग टैक्स है, वो तो अलग चल रहा है वो अपना, GST कैसा टैक्स है, कोई पूछे GST कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट, ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, क्यों, क्योंकि ये इनकम क्या लग रहा है, हमारे किसी गुड्स पे इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स किसी गुड्स या सर्विस पे नहीं लग रहा है,
ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स है, ये किसी इंडिविजुअल इंसान पे टैक्स है, ठीक है, उसकी इनकम पर टैक्स है। और यहाँ पर जो जीएसटी है वो गुड्स और सर्विस पर टैक्स है। किस पर है? गुड्स और सर्विस पर टैक्स है, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आई। तो ये सब यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, इधर कुछ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे बहुत कम मिलता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हमेशा कटोरा लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खड़ा रहता है, भिखारी टाइप का कुछ, ठीक है, कुछ है नहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास, हमेशा मांगता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लाइक यूपी की गवर्नमेंट, कोई भी जो यूपी का सीएम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे सेंट्रल में जो भी पीएम होंगे उनसे हमेशा मांगता रहता है, भाई कुछ दे दो, भाई कुछ पैसा ही नहीं हमारे पास, दे दो कुछ खाने पीने का, मांगता रहता हमेशा। ये दया करके चाचा दे देते हैं इनको, तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने जीएसटी से कुछ चीज़ों को अलग कर दिया, क्या? पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, ठीक है, कहते हैं आप पढ़ेंगे कारपेट के बारे में भी आपके बुक में कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये अलग कर दिया कि पेट्रोलियम जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना रेट खुद तय कर लेंगी, अल्कोहल जी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में छोड़ दिया कि आप भी अपना रेट तय करो जैसे मन करे अल्कोहल के लिए। तो गवर्नमेंट इससे काफ़ी पैसा कमाती है, तो इसको बढ़िया से बचा करके रखती है अपने पास, इससे पैसा कमाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है 1 जुलाई 2017 में बिल्कुल मतलब फोर्सफुली आ गया, ठीक है, अब शुरू हो जाएगा जो भी काम दाम जिससे भी हमें टैक्स लेना है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब एक चीज जरा बिल्कुल दिमाग में याद रख लेना एकदम, ठीक है, जब भी तुम्हें न्यूमेरिकल्स आएगा, क्योंकि देखो इस पर हमें केवल ये सारी थियोरी इसलिए बता रहा हूं मैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए जीएसटी के बारे में, ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहें, न्यूमेरिकल्स देख के समझ में आया कि क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है, ऐसा ना समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक चीज और, इसके लिए आपको इंडिया की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं पूरी ज्योग्राफी लेके खोल के बैठ के फिजिकल ज्योग्राफी और तमाम पता नहीं कौन कौन सी ज्योग्राफी, ठीक है, कि बैठ के पढ़ना है, इतना कम से कम पता होना चाहिए। अगर कहीं पर ये लिख दे कि अगर बोले कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस राजस्थान से गोरखपुर आ रहा है, राजस्थान से मुंबई जा रहा है, ठीक है, तो ये ना रहे कि तुम लगोगे मुंबई भी कोई लगता है राज्य है क्या, तो ये तुम्हें पता रहे कि ये कहाँ जा रहा है ये, ठीक है, राज्य से राज्य में जा रहा है, स्टेट से स्टेट में जा रहा है किसी, या स्टेट में उसके अंदर ही घूम रहा है कहीं, ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कुछ जितने बड़े सिटीज हैं उन सबका नाम तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी जो हमें काउंट करना है वो हमेशा हमेशा काउंट करते हैं किस पर? सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस पर किस पर काउंट करेंगे हम? सेलिंग प्राइस पर, जितने रुपए में कोई सामान तुम बेच रहे हो। ये नहीं कि जैसे मैंने इसको खरीदा किसी से तो मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हुआ ना, जितने में खरीदा हमने और जितने में बेचा वो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ। तो खरीदने वाले कॉस्ट पे हमें जीएसटी नहीं लगाना है, जितने में भी मैं बेचूंगा डिस्काउंट करके भी मान लो बेच रहा हूँ तो डिस्काउंट के बाद इस पे जीएसटी लगाऊंगा मैं। समझ बात आ रही है? अगर 100 रुपए का ये पेन मेरे पास है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, तो अगर सामने वाले बोले भाई इस पे कुछ डिस्काउंट दे दो, तो मैंने मान लो कि 20 रुपीज छोड़ दिया उसके लिए, ठीक है, मैंने कहा 80 रुपीज का ले जाओ तुम, अब उसको 80 रुपीज पर जितना भी जीएसटी होगा वो लगा के दूंगा मैं, ठीक है, मान लो कि 10% ऑफ 80, ठीक है, तो 80 का 10% जितना भी आएगा उसको हम काउंट करके इसमें ऐड करके उसको दे देंगे, ठीक है। परसेंटेज आता है ना निकालना, आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर। अब देखो जरा यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड जो है जीएसटी के न्यूमेरिकल्स में जो आपके कुछ टर्म्स दिखेंगे उस टर्म्स को जरा अच्छे से समझ लो कि क्या क्या टर्म्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हो रिटेलर, डीलर, ट्रेडर, जो भी चीजें हैं, ठीक है, यही सब रिटेलर, ये सब जो भी हैं, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट को कोई भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, समझ बात आ रही है, ये कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये चीजों को रीसेल करने के लिए, फिर से बेचने के लिए खरीद रहे हैं। ऐसे ही लोगों को रिटेलर भी बोल सकते हो, डीलर भी बोल सकते हो, ट्रेडर भी बोल सकते हो, ठीक है, ये नहीं कि इन्होंने सामान खरीदा कि लाओ जो लेकर के आते हैं कि कुछ भी, मतलब कि पिज्जा ही खरीद लाया जो है कि लाओ 100-200 पिज्जा लेकर आते हैं, तो खाने के लिए नहीं लेकर आए कि बैठ के खाने ही, बोलते खरीद के लाते हैं सब, उसको डबल रेट में जितना भी अपने रेट में प्रॉफिट के रेट में कुछ बेच देंगे, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस एंड बेस प्राइस या बेसिक प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि मान लो कि मैंने इसका प्रोडक्शन किया, ठीक है, प्रोडक्शन मैंने किया, मैन्युफैक्चरर हूं मैं, तुम आए मेरे पास बोला कि सर ये पेन मैं खरीद रहा हूँ
ठीक है, इस तरह के 1000 मार्कर मुझे चाहिए। मैंने तुम्हें कहा कि इस मार्कर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है विद GST इंक्लूड करके मैंने दिया, ठीक है। GST भी मैं किससे लूँगा, तुमसे ही लूँगा। अब जो है मैंने तुमको इस मार्कर को मान लो कि कितने में दिया मैंने, 50 में, चलो 50 में मान लो दिया, तो एक मार्कर 50 रुपीज का है, तो तुम्हारे लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है वो, ठीक है। मैं उतने में क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, मेरे लिए वो सेलिंग है, बट जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है वो। तुम्हें बात आ रही है, बेचने वाले के लिए सेलिंग प्राइस, खरीदने वाले के लिए कॉस्ट प्राइस है। जितने में कोई चीज तुम खरीदते हो वो तुम्हारे लिए कॉस्ट है, ठीक है। उसी को कई बार बेसिक प्राइस लिखता है, कभी बेस प्राइस लिखेगा, कभी कॉस्ट प्राइस लिखेगा। तो ये सब वर्ड जरा याद रखना दिमाग में कि इन सबका मतलब क्या है, ठीक है। नाउ डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, मान लो कि वही बोल मैंने बताया ना कि अगर ये मान लो कि 10 रुपीज का पेन है, मार्कर है, इसको तुम्हें डिस्काउंट में बेचना है, या कुछ भी हो, कि 100 रुपए का कोई मार्कर आपके पास है, ठीक है, तुमने बोला कि इसमें 10% डिस्काउंट है, तो 10% ऑफ 100 निकालोगे कितना होगा, 10 रुपीज होगा, ठीक है। इस 10 रुपए को 100 से माइनस कर दो, मतलब इस पेन को 90 में क्या करोगे, बेच दोगे। डिस्काउंट जब भी होगा तो हम माइनस करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। डिस्काउंट जब भी होगा तो हम उतना का परसेंटेज निकाल के, जितने परसेंट का डिस्काउंट होगा उसको हम हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। नाउ सेल प्राइस, सेल प्राइस तो समझ ही रहे हो, जितने भी कॉस्ट में तुम चीज़ों को बेच रहे हो, और जब भी सेलिंग प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस के साथ साथ क्या इंक्लूड करोगे, GST भी। जैसे सेल करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हमने सेल किया कोई चीज़ तो उसमें GST का भी प्राइस क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। ये भी याद रखना है, जब भी मैंने लिखा कि सेलिंग प्राइस, इस पेन का सेलिंग प्राइस इतना है, तो समझ जाना है कि इसका कुछ कॉस्ट प्राइस अलग रहा होगा, सेल प्राइस कुछ अलग हो गया, क्यों, ड्यू टू GST, क्योंकि इसमें GST ऐड हो गया है। ओके सॉरी लाइट चली गई, हाँ तो अभी बीच में लाइट चली गई है, तो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आइए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, बात हो रही थी सेल्स प्राइस की, ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस वही बात है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मैंने बताया कि जब भी हम GST काउंट करते हैं तो ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर ही काउंट होती है GST, ओके। तो SP का एक फॉर्मूला, इसको बिल्कुल याद रख लेना आप लोग, ठीक है मेघा जी, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा आएगा। सेलिंग प्राइस जब भी हमें काउंट करना होता है तो लिस्ट प्राइस से हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। मतलब कि लिस्ट प्राइस क्या है, तो लिस्ट प्राइस के बारे में मैंने यहाँ लिखा कि जो भी हमारा MRP या प्रिंटेड प्राइस जो होता है हमारा, या उसी को हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, या उसी को कोटेड प्राइस बोलते हैं। तो ये सब दिमाग में रखना कि ये सब एक ही बात है, ये नहीं कि जब क्वेश्चन में आए तो समझ ही नहीं पाओगे क्या ये सब। इन सब का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी मान लो ये हम मार्कर लेते हैं, कोई भी मान लो मेरे पास एक बुक है, ठीक है, मान लो कोई भी बुक है, तो उस बुक पे जो प्रिंटेड होता है प्राइस, ठीक है, MRP लिखा होता है, वही आपका क्या है, प्रिंटेड प्राइस है, वही MRP होता है ना, ठीक है, कि आप मैक्सिमम उतने में बेच सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं, तो वो आपका प्रिंटेड प्राइस होता है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना हो तो इस मार्कर पे प्रिंटेड प्राइस मान लो 25 रुपीज लिखा हुआ था और 5% या 10% का डिस्काउंट कर दिया गया, तो क्या करोगे, इसके प्रिंट वाले प्राइस से 10% डिस्काउंट कर दोगे, उसके बाद क्या करोगे, बेच दोगे तो क्या बोलोगे, वो कौन सा प्राइस है आपका, वो सेलिंग प्राइस है, ओके, अंडरस्टैंड। नाउ अब हमारा ये सब चीज़ें ओवरऑल आप इस चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बची जो आपको समझने लायक है, ये ओवरव्यू आप समझ चुके, तो चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए।